hello third class let's start today's science class students here are pictures of magnet iron nail and a piece of iron now students what will happen if we will put iron nail and iron piece near to magnet students as you know we are doing block 21 force and today we will learn effect of magnetic force clear now students tell me वट डेड यू थिंक वुड हैपन क्या होगा अगर हम मैग्नेट के पास आयरन नेल्स को भी रख दें और जो आयरन का जो पीस है उसको भी रख दें स्टूडेंट्स द नेल एंड आयरन पीस गोट पुल्ड बाय द मैगनेट जो आयरन नेल्स होंगी वो भी मैग्नेट उनको भी अपनी तरफ खींच लेगा पुल कर लेगा और जो आयरन का पीस होगा उसको भी अपनी तरफ पुल कर लेगा नाउ स्टूडेंट्स टेल मी व्हाट इज कॉमन टू दिंग्स दैट गोट पुल्ड बाय द मैग्नेट जो भी थिंग्स मैग्नेट जिन भी थिंग्स को अपनी तरफ खींचता है उनमें क्या कॉमन है वट इज मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स होता क्या है वट इज द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द थिंग्स मैग्नेटिक फोर्स के थिंग्स में क्या इफेक्ट होते हैं लेट्स डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस लेसन स्टूडेंट्स द थिंग्स दैट गोट पुल्ड बाई अ मैग्नेट आर मेड आउट ऑफ आयरन जो जिनको भी मैग्नेट अपनी तरफ खींचता है वो किन से बनी होती हैं आयरन से बनी होती हैं द फोर्स एक्सर्टेड बाई अ मैग्नेट ऑन आयरन थिंग्स इज कोल्ड मैग्नेटिक फोर्स सो जो फोर्स होता है मैग्नेट आयरन थिंग्स को अपनी तरफ खींचने के लिए जो फोर्स लगाता है दैट इज कोल्ड मैगनेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कैन मूव ओनली आयरन ऑब्जेक्ट्स टूअर्ड्स इट मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ आयरन ऑब्जेक्ट्स object, को ही अपनी तरफ खींचता है फ्रिज डोर इज वन प्लेस फ्रिज डोर इज वन प्लेस वेयर द मैग्नेट इज वेरी इम्पोर्टेंट फ्रिज डोर जो होता है वहाँ पे मैग्नेट होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर मैगनेट नहीं होगा द डोर कुड स्टे ओपन एंड वोम एयर विल एंटर द फ्रिज तो अगर मैग्नेट नहीं होगा फ्रिज डोर के अंदर तो क्या होगा वो ओपन रह जाएगा जिससे क्या होगा वोम एयर फ्रिज के अंदर एंटर कर जाएगी और फ्रिज जो है फिर वो चीज़ों को कूल cool नहीं रख पाएगा क्लियर आई होप यू अंडरस्टैंड दैट नाउ स्टूडेंट्स टेल मी वेयर इज़ द मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रोंगर इन अ मैग्नेट मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग कहाँ पे होता है एट द एंड्स और इन द मिडल मिडल में सबसे ज़्यादा होता है या एंड में हाउ डू यू नो दैट स्टूडेंट्स द मैगनेटिक फोर्स इज स्ट्रॉगर ऐट द एंड एंडिंग पे मैगनेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है एंड नोट एट ऑल देअर एट द सेंटर ऑफ मैगनेट मैगनेट के सेंटर पर मैगनेटिक फोर्स इतना नहीं होता है देअर फॉर द आयरन नेल्स गोट स्टक टू द एंड इसलिए जो आयरन नेल्स हैं वो मैगनेट के एंड पे स्टक हुई हैं आई होप यू अंडरस्टैंड दैट now students please open your content book of science lesson number 2 magnetic force a magnet can pull or attract things made of iron towards itself this pull of a magnet is called magnetic force the doors of a refrigerator have magnets that attract each other the door फ्रिज uh, के अंदर उनके अंदर मैग्नेटिक फोर्स होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जब भी हम उसको ओपन uh, करते हैं तो हमें एक खिंचाव महसूस होता है क्लियर वो किसकी वजह से होता है क्योंकि हम मैग्नेट को दूर कर रहे हैं उनसे दिस हेल्प्स टू क्लोज द डोर ऑफ एन रेफ्रिजरेटर इससे क्या होता है जो रेफ्रिजरेटर का डोर होता है वो क्लोज हो जाता है आई होप लेसन इज क्लियर टू यू ऑल अ मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन मैग्नेट जो होता है वो किसको अट्रैक्ट करता है आयरन को Now please open your worksheet S2 Magnetic Force. What is magnetic force? आपको बताना है कि magnetic force क्या होता है। The force exerted by a magnet on iron things is called magnetic force. So जो force magnet लगाता है iron things को अपने तरफ खींचने के लिए या फिर pull करने के लिए वो force होता है magnetic force. Question number two. वाई डू क्रेन्स इन अ जंक यार्ड हैव अ मैगनेट एट देयर हुक जो क्रेन्स होती हैं उनके हुक पे मैगनेट क्यों लगा होता है स्टूडेंट्स इन जंक यार्ड वी कैन फाइंड इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आयरन थिंग्स सो अगर क्रेन uh, वहाँ पे है जंक यार्ड में तो जो आयरन लगा होता है हुक पे वो आयरन थिंग्स को अट्रैक्ट करता है उनको अपनी तरफ खींचता है क्लियर सो दैट आयरन थिंग गोट स्टक इन द इन द हुक ऑफ क्रेन क्वेश्चन नंबर थ्री राहुल इज प्लेइंग अ गेम इन विच ही हैज टू पिक अप एज मैनी आयरन नेल्स एज पॉसिबल वो एक गेम प्ले करना है जिसमें उसको आयरन नेल्स को खींचना है यूजिंग अ मैगनेट और मैग्नेट का यूज करना है हाउ शुड हाउ शुड ही टोल्ड हाउ शुड हाउ शुड ही होल्ड सॉरी होल्ड है ये हाउ शड ही होल्ड द मैगनेट सो दैट ही कैन पुल द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आयरन नेल्स उसको मैगनेट को कैसे पकड़ना चाहिए कैसे उसको होल्ड करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आयरन नेल्स हैं वो उसकी उसके पास आ जाए स्टूडेंट जैसे कि हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा एंड में होता है बीच में नहीं होता है सो राहुल को मिडल साइड से उसको पकड़ना चाहिए जो मैगनेट है और उसके एंड साइड को किसकी तरफ करना चाहिए आयरन नेल्स की तरफ करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन नेल जो है वो अट्रैक्ट हो सकें द मैग्नेटिक फोर्स इज स्ट्रॉर एट द एंड एंड नॉट एट ऑल देयर एट सेंटर ऑफ मैगनेट देयर फोर द आयरन नेल गोट स्टक टू द एंड इसीलिए आयरन नेल जो है वो मैग्नेट uh, के एंड पे स्टक हो जाती है क्लियर सो यू हैव टू कम्प्लीट दिस वर्कशीट नाव स्टूडेंट्स यू हैव टू कम्पलीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री डिफाइन मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स को डिफाइन करना है आपको अ मैग्नेट कैन पुल और अट्रैक्ट थिंग्स मेड ऑफ आयर एन टूवर्ड्स इट सेल्फ दिस पुल ऑफ अ मैग्नेट इज कोल्ड मैग्नेटिक फोर्स क्वेश्चन नंबर फोर गिव एन एग्जाम्पल फ्रॉम आर डेली लाइफ वेयर मैग्नेटिक फोर्स यूज इन रेफ्रिजिरेटर्स रेफ्रिजिटर्स को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और उसके एग्जाम्पल से हम पता लगा सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स है रेफ्रिजरेटर के अंदर डोर्स ऑफ अ डोर्स ऑफ अ अट्रैक्ट ईच अदर दिस दिस हेल्प्स टू क्लोज द डोर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर सो यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो